अपडेट करें कि आपको अहम खबर है। इसे आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से पाक फौज के ताल्लुकाते आमा के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम जवानों ने तमाम ऑफिसर्स ने जामे शहादत नोश कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से सिद्दीक साजिद से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और दुखभरी खबर है। हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि फौज पाकिस्तान के 6 अफसरान जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए हैं और DGSPR की जानिब से इसका बाज़ाब्ता जो बयान है वो जारी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था उसका जो मलबा है वो मिल गया है और कोर कमांडर 12 कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत वो जामे शहादत इसमें नोश कर गए हैं। और आपको मालूम है कि कल 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था जो कि उत्तर के इलाके से इसने प्रवास की थी और इसने कराची आना था, फिर ये लापता हो गया। सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, आज इसका जो मलबा है वो मिल गया है और तमाम जो 6 फौजी अफसरान थे इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कमांडर थे 12 कोर के, यानी कि कोर कमांडर का क्वेटा थे, वो इसमें जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही साथ जनरल अमजद हनी DG थे ये शहीद हो गए हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और मलक मुदस्सर फयाज, नायक मुदस्सर फयाज भी ISPR की जानब से जारी की गई हैं। और ISPR की जानब से इन तमाम अजी अफसरान को जो है वो खराज अकीदत पेश किया गया है। एक वीडियो भी इस हवाले से जारी की गई है और ये भी बताया गया है कि ये मूसा गोट विंदर का इलाका है, वहाँ पर तो इसका मलबा वहाँ से मिला है। लसबेला के करीब ही विंदर एक जगह है, वहाँ पर मूसा गोट, वहाँ पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी था तो वहीं के करीब से ही इसका जो मलबा जो है वहाँ से मिला है। और ये भी आपको बता दूँ कि जो तफसीलात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जारी की गई हैं, साथ ही साथ उसमें ये भी है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं तमगाए बसालत हैं और कोर कमांडर हैं क्वेटा डॉक्टर जार्ड हैं, मेजर जनरल अमजद हनीफ मैरिड हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, रावला कोट आजाद कश्मीर से ताल्लुक है, कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं, ये भी शादीशुदा हैं, 3 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक है। इसी तरह मेजर सईद अहमद हैं, पायलट थे, ये भी शादीशुदा थे, 1 बेटा और 1 बेटी है, लाड़काना से ताल्लुक है। मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान को पायलट थे, ये भी शादीशुदा है, 2 इनके बेटे हैं। और इसी तरह क्रू चीफ थे नायक मुदस्सर फयाज, ये भी शादीशुदा हैं और इनकी जो जो फैमिली है वो नारोवाल से जो है वो ताल्लुक जो हैं वो जारी की गई हैं। और ये भी अभी जो दीगर तफसीलात जो हैं वो बाद में इस वजह से भी जारी की जाएंगी कि कहा गया है कि तफसीलात जो हैं वो तहकीकात का बाकायदा जो है वो अब आगाज कर दिया गया है कि इस ये हादसा असल में किन वजूहात की बिना पर पेश आया बताएंगे वो यही बताई गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।